हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की सेशन में हम देखेंगे कि मशीन डिज़ाइन का गेट ऑफ पॉइंट व्यू इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे। बहुत सारा सब्जेक्ट का हम इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑलरेडी वीडियो डिस्कस कर चुके हैं और उसका वीडियो अपलोड भी कर चुके हैं। तो इस आज की इस सेशन में हम देखेंगे कि मशीन डिज़ाइन गेट ऑफ पॉइंट व्यू कितना इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये कितने मार्क्स तक का पेपर बनता है ये डिस्कस करेंगे। इसमें मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक अपने को देखना है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्या करके इम्पोर्टेंट टॉपिक इसका देख लेते हैं, कौन कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है मशीन डिज़ाइन में। सबसे पहले देखो, मशीन डिज़ाइन में क्या होता है, गेट में क्या होता है, इसमें बहुत वेरिएशन होता है। इसमें क्या कभी कभी ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, कभी काम आ गया। इसका ले ले तो 4 to 6 रख लीजिए। इसमें देखो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप, कभी कभी हो गया 2 मार्क्स का आया था, कभी 3 मार्क्स का आया था, कभी 5, 4, 6, मतलब इस रेंज में ही आपका 3 to 6 के रेंज में, 4 to 6 के रेंज में रख लीजिए। इसी के रेंज में ये पेपर मशीन डिज़ाइन से गेट में क्वेश्चन बनने का चांस रहता है, बनता है ये इसी तरह। उसके बाद इसमें आप देखो इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन सा है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो फर्स्ट टॉपिक अपना है फ्लक्चुएटिंग लोड कंसिड्रेशन फॉर डिज़ाइन। ये आपका फर्स्ट टॉपिक है, इसको आपको अच्छे से कवर करना है, इम्पोर्टेंट है गेट ऑफ पॉइंट व्यू। इसमें जितना भी हम टॉपिक लिए हैं ये टॉपिक वाइज है, तो ये सब टॉपिक क्या है, गेट ऑफ पॉइंट व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, पहले पूरा अगर सिलेबस कवर करना है, उसके बाद ये सब जो टॉपिक है इसको अच्छे से जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना आपका इस ज़्यादा स्कोर आएगा गेट में, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा इसी सब टॉपिक। अब सेकंड टॉपिक देख लेते हैं। सेकंड टॉपिक क्या है, रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग। रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग से आप मैक्सिमम इस पर क्या करेंगे, ये सब क्या है, ये सब देखो गेट क्या है, बेस्ट डिज़ाइन होता है न्यूमेरिकल पर, तो आपको मेन क्या करना है, कैलकुलेशन पर ज़्यादा फोकस करना है। थोड़ा बहुत थ्योरी भी देखना है, ऐसा नहीं कि पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है। अब देखो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपना लोड लाइफ रिलेशनशिप, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है गेट ऑफ पॉइंट व्यू। उसके बाद नेक्स्ट देख लो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग गेट ऑफ पॉइंट व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब में जितना भी हम पॉइंट लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब पॉइंट आपको क्या करना है, इस पर ज़्यादा फोकस करना है। वैसे तो सिलेबस आपको कंप्लीट, अगर अच्छे से आपको तैयारी करना, अच्छा रैंक लेना, PSU वगैरह में आप चाहते हैं जॉब, तो क्या करना है आपको पहले फुल सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट। जितना भी हम ये सब वीडियो डिस्कस करते हैं इसमें क्या करते हैं, सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बताते हैं कि ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको आपको क्या करना है, प्रैक्टिस ज़्यादा और करना जितना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं समर फील्ड नंबर भी गेट ऑफ पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी देखो एक फॉर्मूला है समर फील्ड नंबर का, उस पर क्या है न्यूमेरिकल बहुत आता है 2 मार्क्स का। उसके बाद कलर्स देख लो, कलर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कलर्स में आपको क्या करना है, फोकस करना है न्यूमेरिकल पे। उसके बाद फिर नेक्स्ट एंड लास्ट है ब्रेक भी देखो, इसमें स्टार इसलिए लगाएं कि इससे क्या होता है, क्वेश्चन चांस क्या होता है ज़्यादा बनता है, ईच एंड एवरी ईयर बनने का चांस ज़्यादा रहता है इसमें। ब्रेक में आपको क्या करना है, सारे ब्रेक जितना ब्रेक का टाइप है उस पर जो जो ये न्यूमेरिकल बनता है आप देख सकते हो, उस पर न्यूमेरिकल जितना भी है उस पर फुल आपको न्यूमेरिकल कर। तो ये सब टॉपिक क्या है मशीन डिज़ाइन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करना है। इसमें बस इतना ही था, इसमें बस ज़्यादा टॉपिक नहीं, इतना कवर करना है। थैंक यू, बेस्ट लक फॉर अपकमिंग गेट एग्जाम इन एडवांस। तो देखो थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।